Phronesis Investor Academy के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम SBI म्यूचुअल फंड के एक लेजेंडरी फंड दैट इज SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। पिछले कुछ समय से आप लोगों के काफी क्वेरीज आ रहे थे इस फंड के रिगार्डिंग कि क्या ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस वीडियो में हम इस फंड के बारे में दो चीजें चेक करेंगे। फर्स्ट हम चेक करेंगे इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, उससे हम ये पता लगा पाएंगे कि क्या सही में ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, और सेकंड हम इस फंड का फ्यूचर पोटेंशियल जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ऑफ कोर्स हम इसका मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या सही में SBI फोकस्ड इक्विटी फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसके लिए हम 4 डिटेल्स चेक करेंगे। फर्स्ट हम चेक करेंगे इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन। उसके बाद हम चेक करेंगे इस फंड के रिटर्न्स को एज ऑन 1 अप्रैल 2020। उससे हमें यह पता चलेगा कि जब स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन हुआ था उस समय इस फंड ने किस तरह का डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। थर्ड हम चेक करेंगे कि अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स कैसा रहा है। एंड फोर्थ एंड लास्ट हम चेक करेंगे कि एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन फोकस्ड कैटेगरी इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यहां पर आप इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, तो 1 ईयर एंड 3 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो ऑफकोर्स पास्ट परफॉर्मेंस वाइज रीसेंट टाइम्स में इस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। यहां पर आप इस फंड का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय अगर आप इस फंड का रिटर्न्स चेक करें अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, तो एज कंपेयर टू बेंचमार्क इन सारे होराइजन्स में इस फंड का रिटर्न्स काफी अच्छा था। इनफैक्ट उस समय लास्ट 1 ईयर में इस फंड का बेंचमार्क वो 29% से गिरा था, जबकि ये फंड सिर्फ 16% से गिरा था। तो उस समय इस फंड का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन था वो काफी अच्छा था। यहां पर आप इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। इस फंड का शार्प रेशियो अल्फा बुरा तो नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छा भी नहीं है। तो एट मैक्स हम इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे इस फंड को एक एवरेज फंड बोल सकते हैं। यहां पर आप इस फंड के रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं विथ फ्यू अदर टॉप फंड्स इन फोकस्ड कैटेगरी। यहां पर अगर आप इन फंड्स के लास्ट 1 ईयर का रिटर्न चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ और भी टॉप फंड्स हैं फोकस्ड कैटेगरी में जो कि लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर 3 ईयर होराइजन में इनका परफॉर्मेंस देखें तो सारे फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, लेकिन SBI फोकस्ड इक्विटी फंड 3 ईयर होराइजन में भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। अभी हमने SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का जो पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है उससे ये पता चलता है कि पहले तो ये फंड काफी अच्छा फंड हुआ करता था, इसका रिटर्न्स भी काफी अच्छा आता था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं है। सो नाउ किसी भी फंड को हम सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई फंड पास्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी वो फंड अच्छा करेगा। सिमिलरली अगर कोई फंड पास्ट में काफी बुरा परफॉर्मेंस दे रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूचर में भी उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। दैट्स वाई किसी भी फंड को अच्छा या बुरा बोलने से पहले हमें उस फंड के कुछ और डिटेल्स को चेक करना चाहिए, लाइक उनका मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक पोर्टफोलियो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल। और इसके बेसिस पे हमें ये पता चल पाएगा कि फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का काफी बड़ा है, अबाउट 27,800 करोड़। इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझने के लिए हम इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर चेक करेंगे। तो इस फंड का पोर्टफोलियो पी ज्यादा है 26.84। इससे हमें ये पता चलता है कि ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में करता है, और इन वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज का जो पी रेशियो है वो ज्यादा होता है। इस फंड का एनुअल टर्नओवर है 31%, जो कि ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, दैट इज अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का बाय एंड सेल ज्यादा नहीं करता है।
इस फंड को इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लेजेंडरी फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन मैनेज करते हैं और इस फंड को वो मई 2009 से मैनेज कर रहे हैं। यहां पर आप इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो इस फंड का सबसे बड़ा एलोकेशन है लार्ज कैप के स्टॉक्स में अबाउट 52%। साथ ही मिड कैप के स्टॉक्स में भी इस फंड ने काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 29.6%। इस फंड का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग अबाउट 15-16% हुआ करता था, लेकिन अब वो घटकर अबाउट 7.8% हो गया है। और साथ ही इस फंड ने स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी छोटा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 4.5%। सो इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन को देखकर ये लग रहा है कि करेंटली ये फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहां पर आप इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। इस फंड का सबसे बड़ा एलोकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में एट ऑलमोस्ट 34%। कुछ और सेक्टर्स जिसमें इस फंड ने अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं सर्विसेज, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड ऑटोमोबाइल। यहां पर आप इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं। तो इस फंड ने 24 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। आउट ऑफ दोस 24 स्टॉक्स टॉप 15 स्टॉक्स का डिटेल्स आप यहां चेक कर सकते हैं। इस फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल एंड मुथूट फाइनेंस। इस फंड का जो फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है उसमें इस फंड ने 2 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। फर्स्ट है अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है एंड सेकेंड है नेटफ्लिक्स। नाउ हम इन सारे स्टॉक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स चेक करते हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि इस फंड का जो अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस फंड का जो ज्यादातर अंडर परफॉर्मेंस आया है वो आया है मुथूट फाइनेंस के कारण जो कि 31% गिरा है ऑलमोस्ट। डिवीज लैब जो कि 28% गिरा है लास्ट 1 ईयर में। अल्फाबेट जो कि अबाउट 30% गिरा है लास्ट 1 ईयर में एंड नेटफ्लिक्स जो कि 64% गिरा है लास्ट 1 ईयर में। सो अगर आप इस फंड के टॉप होल्डिंग्स को चेक करेंगे तो जितने भी स्टॉक्स हैं क्वालिटी वाइज वो सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। ऑल दो इस फंड के साथ एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स जो कि इस फंड ने सेलेक्ट किया है उनका जो पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस फंड के फॉरेन इक्विटी होल्डिंग में जो 2 स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं वो है गूगल एंड नेटफ्लिक्स। तो ऑल दो ये दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं रिसेंट टाइम्स में, लेकिन क्वालिटी वाइज ये दोनों ही स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं और फ्यूचर में हम इन दोनों स्टॉक से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप डिवीज लैब को देखें तो वो भी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा गिरा है, लेकिन अगेन डिवीज लैब ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। सो आउट ऑफ दीज टॉप 15 स्टॉक्स सिर्फ एक मुथूट फाइनेंस ही एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो कि ऑल दो बुरा स्टॉक नहीं है, लेकिन इस स्टॉक से अच्छे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ओवरऑल स्टॉक पोर्टफोलियो वाइज ऑफकोर्स कुछ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं रिसेंट टाइम्स में, बट क्वालिटी वाइज इन स्टॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और लॉन्ग टर्म में हम इनमें से ज़्यादातर स्टॉक से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ हमने SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का डिटेल रिव्यू तो कर लिया है, अब हम जानते हैं कि इस डिटेल रिव्यू से हमें क्या क्या पता चला है। इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस से तो ये क्लियरली पता चलता है कि रीसेंट टाइम्स में इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन साथ ही फोकस्ड कैटेगरी के जो दूसरे टॉप फंड्स हैं वहाँ भी कुछ फंड्स ने लास्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। साथ ही दूसरे कैटेगरीज के भी जो दूसरे टॉप फंड्स का हमने रिसेंटली रिव्यू किया है वहाँ भी पता चला है कि कई सारे अच्छे फंड्स हैं सो कॉल्ड टॉप फंड्स जिनका रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन में हमने ये देखा था कि इस फंड का मिड कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। साथ ही इस फंड ने जो फॉरेन इक्विटी में अपना एक्सपोजर लिया है वहाँ पे जो 2 स्टॉक्स हैं उन दोनों स्टॉक्स का रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। और साथ ही हमने इस फंड का जो स्टॉक पोर्टफोलियो चेक किया है वहाँ भी हमने ये क्लियरली देखा है कि ऑल दो क्वालिटी वाइज सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं लेकिन उनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस किन स्टॉक्स के कारण आ रहा है तो वो स्टॉक्स हैं अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, नेटफ्लिक्स, डिवीज लैब, मुथूट फाइनेंस या फिर HDFC बैंक या फिर बजाज फाइनेंस। तो ऑल दो रीसेंट टाइम्स में इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं और इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स से हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट
कर सकते हैं। सो नाउ टू कंक्लूड, ऑफकोर्स रिसेंट टाइम्स में इस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जब हमने इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक किया है तो उससे क्वाइट क्लियर है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम इस फंड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का है, उनके लिए ये फंड एक अच्छा फंड हो सकता है। ऑफ कोर्स वैसे इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म का है, वहां पे शायद इस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।